वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 नवंबर 2019 और 5 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2019 शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है दस्तलिक 2019 ये शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दस्तलिक, ये शुरू कहां हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में शुरू हुआ है। ये जितने भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें दो ही फैक्ट आपको याद रखने होते हैं। पहला फैक्ट ये किस किस देश के बीच है और दूसरा फैक्ट इसका आयोजन कहां हुआ है। ये दो चीजें आपको याद रखनी होती हैं। अब ये दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, तो आप मैप में देखिए, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला अरीपोव। अच्छा, ये जो दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये ताशकंद में आयोजित किया जाएगा और 13 नवंबर तक चलेगा। और इस सैन्य अभ्यास का पर्पज क्या है? इसका पर्पज है आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रेनिंग देना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज किस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई गुरु नानक पीठ का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक नई गुरु नानक पीठ का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिख धर्म के संस्थापक के उपदेशों के बारे में रिसर्च करने के लिए प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बर्मिंगम यूनिवर्सिटी में एक नई गुरु नानक पीठ का शुभारंभ किया। अच्छा, आपने ध्यान दिया, मैंने दो बार हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया लेकिन सिंगल नहीं बोला, मैंने हर बार यही बोला केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ये हैबिट आपको भी डेवलप करनी है, जब भी आप किसी मिनिस्टर का नाम लें उसकी मिनिस्ट्री का नाम उसके नाम से पहले लगाकर बोलें। ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। जैसे आपको अमित शाह बोलना है तो आप हमेशा गृह मंत्री अमित शाह बोलिए, राजनाथ सिंह बोलना है तो आप हमेशा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलिए। इस तरह की हैबिट जब आप डेवलप कर लोगे तो ये जो मिनिस्ट्री है ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्री सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो अभी श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्री सम्मेलन शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में तो शुरू हुआ है लेकिन इसका पर्पज क्या है? तो न्याय की समान पहुंच और कानून के न्याय के लिए ये द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्री सम्मेलन है और अभी श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में शुरू हो गया है। और इसमें इंडिया की तरफ से हमारे प्रेजेंट टाइम के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है नोवाक जोकोविच और इन्होंने 5वीं बार ये पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। इन्होंने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराकर ये मास्टर्स खिताब जीता है और इनका अपने कैरियर का ये 34वां मास्टर्स खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें एजुथचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अभी
पी साचिदानंद को 27वें एजू थचन पुरस्कार के लिए चुना गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पी साचिदानंद, इनको इनके उपनाम आनंद के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको पी साचिदानंद नहीं लिखा लिखेगा, आपको सिर्फ आनंद लिखा दिखेगा, तो आपको याद रखना है इन्हीं का नाम है पी साचिदानंद और इनका उपनाम है आनंद। ये मोस्टली अपने उपनाम आनंद से जाने जाते हैं। तो केरल साहित्य अकादमी और केरल सरकार ने मिलकर ये 27वां एजू थचन पुरस्कार पी साचिदानंद को देने के लिए इनको सेलेक्ट किया है। अब इनको ही क्यों मिलेगा ये अवार्ड, तो मलयालम भाषा और साहित्य में इनके योगदान के लिए ये 27वां एजू थचन पुरस्कार इनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा। तो अभी 5वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा कोलकाता में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो अभी चाइना ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्टीरियोस्कोपिक इमेज प्रदान करने के लिए चाइना ने ये एक हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब चाइना ने इसे लॉन्च किया है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है, रेन मिनवी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। तो अभी नीरज शर्मा को अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नीरज शर्मा और इन्हीं को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, इनको ये अवार्ड क्यों दिया जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन सोडियम आयन बैटरी को डेवलप करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। सोडियम आयन बैटरी इन्होंने डेवलप की है जिसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन बना है। तो अभी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड स्टोरेज वाला देश बन गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, जर्मनी सेकंड नंबर पे है और अपना देश भारत 10th नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है और इंडिया की पोजिशन आपको याद रखनी है। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह डाटा जारी किया है कि अमेरिका गोल्ड स्टोर के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो अभी सुदर्शन पटनायक को 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड दिया जाएगा, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सुदर्शन पटनायक, ये एक फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि बालू की ये आकृतियां बनाते हैं और इन्हीं को 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, ये जो सुदर्शन पटनायक हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्लो लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है। तो अभी लक्ष्य सेन ने सार्लो लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लक्ष्य सेन और अभी इन्होंने सार्लो लक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ड्रैगन बूट वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। तो अभी अपने देश भारत ने इस बार के ड्रैगन बूट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो ड्रैगन बूट वर्ल्ड कप है ये कहां हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, तो ये चाइना में हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा शहर यूसीसीएन का सदस्य बना है। तो अभी मुंबई यूसीसीएन का मेंबर बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। मुंबई के अलावा एक और शहर यूसीसीएन का मेंबर बना, मुंबई बना है और हैदराबाद बना है, तो ये दो शहर अभी यूसीसीएन के मेंबर बने हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने सही दिया। मैं आपको हर बार बोलता हूं, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।